हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी 5.6। डिस्कस करने से पहले आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं दे रही हूँ कि टाइप्स ऑफ ट्राइंगल हैं, किस बेसिस पे हैं। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय अ ट्राइंगल? ट्राइंगल का मतलब क्या है? एक क्लोज फिगर मेड अप ऑफ थ्री लाइन सेगमेंट्स, तीन लाइन सेगमेंट्स से जो आपकी क्लोज फिगर बनती है, दिस इज कॉल्ड योर ट्राइंगल। फॉर एग्जाम्पल, एक लाइन सेगमेंट, दूसरा लाइन सेगमेंट, तीसरा लाइन सेगमेंट, और ये कैसी फिगर है बेटा? क्लोज, कहीं से भी ओपन नहीं है। तो इसको मैं क्या नाम देती हूँ? ट्राइंगल। अब आते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। बेटा अगर मैं साइड की बात करूँ, यहाँ पे साइड कौन कौन से हैं, पहले आपको साइड और एंगल्स का पता होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय साइड? जो जो आपके लाइन सेगमेंट्स इसके अंदर यूज हुए हैं, कौन कौन से? ए से बी, दूसरा कौन सा? बी से सी, तीसरा कौन सा? ए से सी। ये क्या होंगी बेटा? आपकी साइड्स ट्राइंगल की। अगर मैं बात करूं एंगल की, तो एंगल क्या होते हैं बेटा? एंगल कहाँ पे? मैंने एंगल के बारे में बताया था। व्हाट डू यू मीन बाय एंगल? दो लाइन सेगमेंट का कनेक्टिंग प्लेस, दो लाइन सेगमेंट का कनेक्टिंग प्लेस, इसका और इसका। तो ये क्या बना रहा है? एक एंगल। ये लाइन सेगमेंट इसके साथ कनेक्ट होके यहाँ क्या बना रही है? एंगल। इन सेम वे ये वाला लाइन सेगमेंट इसके साथ कनेक्ट होके यहाँ क्या बना रहा है? एंगल। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ तो कौन कौन से एंगल हैं यहाँ पे? ए बी सी, जो बीच में है बेटा वो एंगल है बी। ठीक है, ए सी बी, ए सी बी, एंगल किसकी बात हो रही है? सी की। ठीक है, नेक्स्ट बी ए सी, ए क्या है बेटा? यहाँ पे आपका एंगल। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो एंगल्स के बारे में बात होगी। वर्टेक्स, वर्टेक्स मैंने क्या बताया था बेटा? मीटिंग पॉइंट ऑफ टू लाइन सेगमेंट। ठीक है, वर्टेक्स क्या होता है? मीटिंग पॉइंट या इनिशियल पॉइंट, या बोल सकते हो इनिशियल पॉइंट, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, इनिशियल पॉइंट ऑफ टू लाइन सेगमेंट, बता चुकी हूँ पहले। यानी कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वर्टेक्स क्या क्या है बेटा? ए इज अ वर्टेक्स, बी इज अ वर्टेक्स और सी इज अ वर्टेक्स। ठीक है, तो बेटा अब बात आते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल जो आपके यूज होनी है। अगर मैं दो टाइप से ट्राइंगल को डिवाइड करती हूँ, दो टाइप कौन कौन से बेटा? साइड के बेसिस पे और एंगल के बेसिस पे। कौन कौन से बेसिस पे बेटा? साइड के बेसिस पे और ट्राइंगल के बेसिस पे। अगर आपने पहली वीडियो देखी होंगी तो मैं काफ़ी इंट्रो आपको पहले भी दे चुकी हूँ। देखो बेटा ध्यान से, अगर मैं ट्राइंगल के टाइप्स को डिवाइड करती हूँ तो दो टाइप से डिवाइड करती हूँ, ऑन बेसिस ऑफ साइड, साइड के बेसिस पे और एंगल के बेसिस पे। किसके बेसिस पे बेटा? साइड के बेस पे और एंगल के बेस पे। अगर मैं साइड की बात करूँ तो बेटा तीन टाइप की आपकी ट्राइंगल होती हैं। फर्स्ट इज स्केलन, फर्स्ट इज स्केलन, एस सी ए एल ई एन ई, स्केलन ट्राइंगल। नेक्स्ट इज आइसोस्केलस, नेक्स्ट टाइप इज आइसोस्केलस ट्राइंगल, एंड थर्ड साइड इज योर इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। एंगल के बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो बेटा पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं, एंगल के बारे में बाद में बात करेंगे। स्केलन का मतलब क्या है? जब तीनों साइड की मेजरमेंट क्या हो? अनइक्वल। जो आपकी तीनों साइड हैं, सपोज ए बी सी, अगर मैं बात करूं ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, तो बेटा जब तीनों की मेजरमेंट अलग हो, तीनों की लेंथ क्या हो? अलग, तो वो कौन सी ट्राइंगल होगी? स्केलन। कौन सी ट्राइंगल होगी? स्केलन। अगर आइसोस्केलस की मैं बात करूं तो इन विच टू साइड्स आर इक्वल, यहां पे क्या आएगा? टू साइड्स आर इक्वल। कैसे? देखो बेटा, अगर ये आपकी ट्राइंगल है तो ये भी आपका 4 सेंटीमीटर, ये भी आपका 4 सेंटीमीटर और ये आपकी 5 सेंटीमीटर, तो जिसकी दो साइड्स इक्वल आ गई मैं उसको क्या बोलूँगी बेटा? आइसोस्केलस ट्राइंगल। उसको क्या बोलूँगी? आइसोस्केलस ट्राइंगल। बेटा ये नाम दे दिए जैसे आपको आपके घर वालों ने नाम दिए, ऐसे ही जिसने ट्राइंगल के बारे में बात की उसने उनको नाम दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इक्विलेटरल, इक्वी का मतलब होता है बेटा इक्वल, लेटरल मतलब साइड्स, यानी कि जिसकी सारी साइड्स क्या हों? इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल।
तो उसको क्या बोल दूंगी बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये 5 तो ये भी 5, ये भी 5, तो कितना आ गया बेटा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी सारी साइड्स क्या हो इक्वल लेंथ की, दिस इज कॉल्ड योर इक्विलेटरल ट्रायंगल। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट साइड, यानी कि एंगल बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो मेरे पास क्या क्या होते हैं नाम देखो बेटा, एंगल बेसिस पे बात करूं तो एक्यूट, एक्यूट ट्रायंगल, एक्यूट ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, जिसके एंगल 90 डिग्री से क्या हो छोटे, 90 डिग्री से छोटे, जैसे 60 डिग्री, ये भी 60, ये भी 60, तीनों 90 से छोटे हैं तो कैसी एंगल हो गई, एक्यूट। ठीक है, उसके बाद है बेटा राइट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब क्या है, एक एंगल ट्रायंगल के अंदर कोई भी एक एंगल कितने का हो बेटा, 90 डिग्री का, यानी कि फॉर एग्जांपल दिस, ये वाला एंगल कितने का है 90 डिग्री का, ये 45, ये भी 45, ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई राइट एंगल ट्रायंगल। थर्ड वन इज ऑब्ट्यूज, थर्ड वन इज ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज क्या होती है बेटा, जिसमें 90 डिग्री से बड़ा एंगल हो, जैसे कि ये यहाँ पे आपको एंगल दे दिया 110, ये वाले एंगल आपके बच गए, तो एक एंगल अगर 180 से 90 डिग्री से क्या हो जाए ज़्यादा, तो उसको क्या बोल दूंगी बेटा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ये था बेटा आपका सिंपल सा इंट्रोडक्शन, नाउ मूव टू आवर एक्सरसाइज, आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।